Good morning students, welcome to the chemistry class. Today's our topic is how are electrons arranged in different orbits. कि जो electrons हैं उनको हम different orbits में कैसे arrange करते हैं. So to know the arrangement of electrons in different orbits or shell, we must know the atomic number. कि हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट के लिए डिफरेंट ऑर्बिट्स में. इफ़ यू नो द एटॉमिक नंबर देन बाय फॉलोइंग द स्कीम सजेस्टेड बाय द बोहर एंड बरी. ठीक है, जो बोहर और बरी ने अपनी स्कीम दी थी कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है, हमने उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर का अगर हमें पता होगा तो हम इजली उसे फिल कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, according to the Bohr and Bury, the maximum number of electrons which can be accommodated in any shell of an atom is given by the formula 2n square. और Bohr and Bury के according कितने number of maximum electrons जो हैं किसी एक shell में आ सकते हैं वो हम कैसे calculate कर सकते हैं, by using the formula 2n square. So here n means number of orbit or shell, कि कौन सा शेल हम ले रहे हैं. n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल और द एनर्जी लेवल. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट शेल दैट इज द k शेल, देन n इज इक्वल्स टू 1 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल विल बी 2n स्क्वेयर दैट इज 1 स्क्वेयर. 1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 एंड इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट फॉर सेकेंड शेल दैट इज l शेल, एल शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दैट इज 8 कैसे आया, 2 इंटू एन स्क्वायर, एन कितना है हमारा 2, 2 का स्क्वायर किया दैट इज 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8. देन फ्रॉम थर्ड शेल, थर्ड शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, दैट इज 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 2 18. नेक्स्ट इज फोर्थ शेल दैट इज एन शेल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल विल बी 32. सो विद द हेल्प ऑफ द बोहर एंड बरीज फॉर्मूला दैट इज 2n स्क्वायर वी कैन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल. However, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell of an electrically neutral atom is 8. But according to the that is the octet rule, जो octet rule है उसके accordingly जो हमारा outermost shell होता है that is कि जो बाहर वाला shell होता है, valence shell होता है एक electrically neutral atom का, उसमें maximum number of electrons कितने आ सकते हैं, सिर्फ 8 ही आ सकते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट गो टू अ न्यू शेल अनलेस ऑल द इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स. और जितनी देर तक हमारा जो पहला शेल है वो कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाता, इनर शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाता इलेक्ट्रॉन के साथ, उतनी देर तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यू शेल में नहीं जा सकते. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लिथियम, the atomic number of lithium is 3. So electrons कितने हो गए 3. First shell है उसमें कितने maximum electrons आ सकते हैं, only 2. तो जब ये दो electrons fill हो जाएंगे then only जो हमारा third electron है वो new shell में जाएगा. ये नहीं है कि आप इसमें जो हमारा k shell है उसमें आप एक electron fill कर दो और जो बाकी के दो बचे हैं उसको आप एल शेल में फिल कर दो, ऐसा नहीं होगा. वंस द इनर शेल कम्प्लीटली फिल्ड देन ओनली द न्यू इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन द नेक्स्ट शेल. ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो हम जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी शेल्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. सो रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट इज वेलेंस शेल एंड वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेलेंस शेल, वेलेंस शेल मीन्स द आउटर मोस्ट शेल.
जो सबसे बाहर वाला शेल होता है ऑफ एन एटम, इट इज कॉल्ड द वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं वैलेंस शेल में, दैट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ बोरोन देयर आर टू शेल्स, फर्स्ट इज के शेल एंड द नेक्स्ट इज एल शेल. दिस आउटर मोस्ट शेल दैट इज द एल शेल इज कॉल्ड द वैलेंस शेल एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो हियर 1, 2 and 3, दीज थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकेंड शेल एंड दिस आउटर मोस्ट शेल दैट इज द एल शेल इज कॉल्ड द वैलेंस शेल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो हियर द नेम ऑफ द एलिमेंट्स विद देयर सिंबल एंड एटॉमिक नंबर आर गिवन एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर ऑल्सो गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन द सिंबल इज एच एंड द एटॉमिक नंबर इज 1. सो ओनली देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हमने ये बोला था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, ऑन द एटॉमिक नंबर. सो हेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो वो 1 इलेक्ट्रॉन हम किस में शेल फिल करेंगे, फर्स्ट शेल में. फर्स्ट शेल कौन सा है हमारा, के शेल, तो उसका वैलेंस शेल कौन सा हुआ, के, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1. नेक्स्ट हीलियम, फॉर हीलियम एच ई एटॉमिक नंबर इज 2 एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर 2. सो इन द फर्स्ट शेल दैट इज के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, तो यहाँ पे हमने 2 फिल कर दिया. वैलेंस शेल क्या हो गया, के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2. नेक्स्ट कार्बन, इन केस ऑफ कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन द फर्स्ट शेल दैट इज के एंड द रेस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन द सेकेंड शेल दैट इज एल शेल. सो द एल शेल इज अ आउटर मोस्ट शेल दैट इज अ वैलेंस शेल एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4. तो जितने जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं वही क्या होता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और जिस शेल में वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, जैसे कि दिस एम एंड एन, सो दीज आर कॉल्ड द वैलेंस शेल. नेक्स्ट इज आइसोटोप्स. आइसोटोप्स मीन्स आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. सो आइसोटोप्स क्या हैं, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट. सो इफ मास नंबर इज डिफरेंट दैट मीन्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम. इन द केस ऑफ प्रोटियम द एटॉमिक नंबर रिमेन्स द सेम इन ऑल द 3, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम. एटॉमिक नंबर विल बी 1, 1 एंड 1, बट मास नंबर इन केस ऑफ प्रोटियम इज 1, इन केस ऑफ ड्यूटीरियम इट इज 2, इन केस ऑफ ट्रिटियम इट इज 3. So protons, number of protons are same and protons are equal to electrons, so electrons are also same, but neutrons are different. In case of protium, the number of neutrons are 0, but in case of deuterium there is 1 neutron, and in case of tritium there are 2 neutrons are present in this. So these are the isotopes of hydrogen. Isotope means the atoms of the same element having same atomic number but different mass number. Similarly, the carbon has 2 isotopes, that is C6 and 12 and C6 and 14. These are the 2 isotopes of carbon. These are the 2 isotopes of chlorine, that is
CL 17 and 35, this is CL 17 and 37. These are the isotopes of chlorine. So thank you very much students for watching the video.